उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के अहिवारा में 2,68,94,000 रुपए के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इनमें 17,84,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित नगर पालिका भवन में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण तथा अहिवारा नगर पालिका के विभिन्न वार्डो में 2,51,10,000 रुपए की लागत से 40 निर्माण कार्यो का भूमि पूजन शामिल है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को चेक भी वितरित किए। उप मुख्यमंत्री श्री साव अहिवारा में कबीर भवन में आयोजित श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य उत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने मुख्य अतिथि की आसंदी से उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर की वाणी में जीवन दर्शन मिलता है। कबीर की वाणी को घर घर तक पहुंचाए और जीवन में आत्मसात करें। श्री साव ने अहिवारा के लोगों को भरोसा दिलाया कि वहां के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। उन्होंने अहिवारा में सिविल न्यायालय की स्थापना के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन भी दिया। नगर पालिका अहिवारा में लगभग 3 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। लगातार हमारी सरकार बनने के बाद शहर के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। शहर हमारे सुंदर और स्वच्छ बने इसके लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं और शहरों के विकास को सुव्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास लगातार जारी है। नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो गई है। वार्डों के सीमांकन का कार्य हो रहा है। अन्य जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वह भी हो रही है और आने वाले समय में हम शहरों के सुव्यवस्थित सुनियोजित विकास की दिशा में काम। महापौर अध्यक्ष का चुनाव किस पद्धति से होगा इसके लिए विचार मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी इस पर अंतिम निर्णय करेंगे। मंत्रिमंडल का वो विस्तार कब हो रहा है क्योंकि कांग्रेस भी कहने लगी है? कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है सिवाय मीडियाबाजी करने के, बयानबाजी करने के। 5 साल काम करने का अवसर मिला था, कुछ किया नहीं। छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। मंत्रिमंडल में कोई बढ़ाने का काम वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सही समय पर सही निर्णय लेंगे। पर सरकार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। ये क्या कुछ घोषणाएं आज इस मंथ से? आज नगर पालिका अहिवारा में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। कबीर पंथ परिवार के द्वारा कबीर प्रगाट उत्सव का भी आज कार्यक्रम हुआ है। जब से हमारी सरकार बनी है नगरीय निकायों को विकास के लिए लगातार अलग अलग योजनाओं से हमने राशि जारी की है। शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, शहर सुंदर और स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बहुत सारी मांगे की है, उसके लिए भी मैंने राशि स्वीकृति की सहमति दी है। हम प्रतिबद्ध हैं शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए। माननीय विधायक जी ने सिविल न्यायालय की मांग अहिवारा के लिए की है, निश्चित रूप से उसके लिए भी हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है प्रधानमंत्री आवास को लेकर गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की दुर्दशा पिछले कांग्रेस की सरकार के समय हुआ, जो गरीब विरोधी सरकार थी। हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास प्राथमिकता से लोगों को मिले, तेज गति से मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलकूद लगातार ये होता रहा है। कोई पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने प्रारंभ किया हो ऐसा नहीं है। हर गांव में लगातार इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। इन आयोजनों को प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा दे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इस परिसर का लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी के
करकमलों द्वारा किया गया, और विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय डोमनलाल कोसेवाड़ा जी और हमारे रविशंकर सिंह जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, सतीश साहू जी विधायक प्रतिनिधि सब हमारे अतिथि थे। अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में कबीर जी का प्रकट उत्सव का भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है और हम सब उसमें सम्मिलित हुए। विगत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय अरुण साहू जी के द्वारा हमें 2.5 करोड़ रुपए की राशि 15 वित्त के माध्यम से मिला था, जिसका हम लोगों ने आज भूमि पूजन यहाँ पर कराया है, और साथ साथ में कुछ अध्यक्ष पार्षद निधि के माध्यम से जो और था, तो ऐसा करके हम लोगों ने 3 करोड़ रुपए के आसपास को लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। अरुण साहू जी से उन्होंने घोषणा किया है कि अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपये की राशि वो हमें स्वीकृत करेंगे। पूरा अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र की जनता उसका आभार व्यक्त करती है, उनको धन्यवाद देती है कि आपने 50 लाख रुपये की राशि एक मुस्त अहिवारा नगर पालिका को दिया है।